इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रचना का नियम देखेंगे। वस्तुओं की स्थिति में परावर्तन के आधार पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग आकृति होती है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, यहाँ पर B को अनंत लिया गया है, C को वक्रता केंद्र और F को फोकस लिया गया है, जबकि ये वाला जो बिंदु है उसे ध्रुव कहा जाता है। तो यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और उसकी आकृति छोटी होती है, उल्टा और वास्तविक होता है। यहीं अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के बीच में बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। अगला है वस्तु की स्थिति। यदि वस्तु वक्रता में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता पे ही बनता है और उसकी आकृति समान होती है, उल्टा और वास्तविक होता है। अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस और वक्रता के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है और यह इसकी आकृति बड़ी और वास्तविक उल्टी होती है। अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और यह बहुत बड़ा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। और अंतिम स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बड़ा और आभासी बनता है। ये एकमात्र ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और पर्दे के पीछे बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होती है। तो ये हुआ अवतल दर्पण के लिए बनने वाले प्रतिबिंब की रचना और उसकी स्थितियाँ।